नमस्कार, स्वागत है आपका एफसी टुडे न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 24 तारीख को एनसीसी डे मनाया गया। इसी उपलक्ष्य में लखनऊ विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में कुछ बच्चों के साथ, जिनके अंदर काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है, बहुत सारी तैयारियाँ की हैं इन्होंने। तो आइए बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं कि कल की क्या तैयारी है। हम नियाप में अपना लखनऊ का और एनसीसी का सब बता रहे हैं कि एनसीसी में हम लोग क्या क्या करते हैं, लखनऊ में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और योगी जी ने हमारे लखनऊ को क्या डेवलपमेंट दिया है। हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं, नेशनल इंटीग्रेशन एसोसिएशन प्रोग्राम, जो हम लोग ने IGC में परफॉर्म किया था। तो उसमें थ्रू एक्ट्स एंड स्पीचेस और गाने के साथ सब मिला के हम ऐसे दिखाते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में कौन सी चीज़ें हैं, लखनऊ में क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। वी आर ऑल्सो प्रेजेंटिंग आर हिस्टोरिकल हीरोज़ लाइक तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, एंड वी आर प्रेजेंटिंग फेमस थिंग्स अबाउट उत्तर प्रदेश। एक डेढ़ हफ्ते से हम लोग इसकी कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग सुबह 9 बजे वहाँ पर पहुँच जाते थे और 4 बजे तक शाम तक हमारी रेगुलर प्रैक्टिस चलती थी और टीचर्स ने भी काफ़ी हमें सपोर्ट किया, हमें हमेशा मोटिवेट किया कि हम अच्छा करें। हम लोग महाराष्ट्र भी कर रहे हैं, जो यूपी में कृष्ण जी की पूजा बहुत होती है, तो हम महाराष्ट्र के द्वारा अपने कृष्ण जी की लीलाएं भी हम इसमें दिखा रहे हैं। हमारा आज ड्रेस रिहर्सल है, सब लोग देख रहे हैं अभी, तो मेकअप कॉस्ट्यूम आज सब पूरा फाइनल करके तो वही हम लोग फिर कल शो करेंगे उनके सामने। हम लोग NCC सॉन्ग भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग उसी से होनी है, NCC सॉन्ग संग होना है, देन शिव वंदना होनी है और उसके अलावा हमारा जो लास्ट परफॉर्मेंस है वो है महाराष्ट्र कृष्ण और राधा वाला। हमारा जो मेन फोकस है इसमें वो NIAP है और महाराष्ट्र भी, बिकॉज महाराष्ट्र में एक प्रेम जैसे दिखता है तो वो दिखाया जा रहा है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये एक तरह से ट्रिब्यूट होगा आर्मी के हमारे जो सोल्जर्स हैं उनके लिए और ये हम अपने यूपी, स्पेशली यूपी के जितने कैडेट्स हैं वो शो करेंगे यूपी की संस्कृति और यूपी की क्या प्रथाएं हैं। हमें ये दिखाना है कि जो हमारे NCC के बच्चे हैं वो सिर्फ एक ही काम में नहीं, वो हर काम में अपने आप को दिखा सकते हैं कि वो कितने कहाँ कहाँ अपना टैलेंट वो शो कर सकते हैं। एक हमारा इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन कैंप होता है गाज़ियाबाद में, ग्रेटर नोएडा में। ये पूरी टीम पहले उसकी तैयारी थी और उसमें हमारे 5-6 कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लाइक कल्चरल, NIAP, ड्रिल, बेस्ट कैडेट, कई एक नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन्स हैं जिसमें ये पूरी टीम हमारी लखनऊ की तैयार होकर जाती है ग्रेटर नोएडा। उसके बाद ये आने के बाद सारे बच्चे अपने एग्ज़ाम में बिजी होते हैं, उसके बावजूद पूरा खाली समय पे मेरे साथ आके NCC डे की तैयारी कर रहे थे। हम लोग यहाँ आज पे NCC डे सेलिब्रेशन की प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, ये हमारा फाइनल प्रैक्टिस है। इट हैज़ बीन अ रोलर कोस्टर राइड ऑलवेज एंड वी हैड ऑल द फंस एंड मैम, हम लोग का जो ये NCC का IGC ट्रीम है अब वो एक फैमिली बन चुका है। हम हर साल रिपब्लिक डे का परेड के लिए अपने बच्चों को ट्रेन कराते हैं, कल्चरल्स के लिए, ड्रिल्स के लिए और काफ़ी सारे इवेंट्स के लिए। इस प्रोग्राम का में हम लोग महाराष्ट्र दिखा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि को दिखाता है। इसके अलावा हम शिव भक्ति पर एक वंदना कर रहे हैं, प्लस हमारा एक नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम होता है जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में जो भी प्रगति वगैरह जो कुछ होता है या उसकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह, ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं। हमने तमाम बच्चों से बातचीत की और कल की तैयारी के बारे में जाना, जहां एक तरफ कल्चरल को